अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी दुनिया विद जिया। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं पिक्सलर के बारे में, जिसमें आप लोग अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं इससे और बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें आप अपना अच्छे से अच्छा थंबनेल बना सकते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसकी दूसरी क्लासेस उर्दू में मिस कर दी हो, या अगर आप लोगों को उर्दू में क्लासेस नहीं चाहिए, अगर आप लोग उर्दू में थोड़ा आप लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम की क्लासेस ले सकते हैं। मैं दोनों चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको पिक्सलर भी अगर फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पिक्सलर को यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, और आप लोग इसमें अपने खुद के अट्रैक्टिव थंबनेल भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से फुल एचडी पे, मैंने फुल एचडी का साइज रखा हुआ है, क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास एक बन गया है। अब फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग स्टॉक सर्च पे जाएंगे। ये ब्यूटीफुल गार्डन की पिक्चर्स हैं। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे बर्ड्स की इमेज भी ले सकते हैं, ऊपर बस आप लोगों को सर्च करनी है। अब मैंने यहाँ पे फ्लैमिंगोस की पिक्चर ले ली। ये देखिए हमारे पास फ्लैमिंगोस की पिक्चर आ गई है। ये मसले कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आज हम लोग एक न्यू टूल सीखेंगे पिछले पे, और उस टूल का नाम है हील टूल। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा हील, ये रहा हील। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की है H, इसको हम लोग क्लिक करके खोलेंगे। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल इसका विंग हील करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये हील ऐसे कर रहा है, बिल्कुल इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इसके विंग्स में मिक्स हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ऊपर से विंग ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से आधा विंग है ही नहीं। ये काम होता है हील टूल का। दूसरी जिस इमेज पे हम लोग हील टूल यूज कर रहे हैं, वो इमेज और उसकी बैकग्राउंड का कलर, दोनों कलर्स मिक्स हो जाएंगे आपको। अब यहाँ से ये तो पैच था हील का, और अब हम लोग इनफिल लेंगे। ये देखिए इनफिल में ये आपकी इमेज को ब्राइट सा कर रहा है, मतलब इसको उसके साथ बैकग्राउंड कलर के साथ मिक्स करने की जगह ये इसका कलर थोड़ा सा डल कर रहा है, लेकिन आपकी इमेज शार्प हो रही है। और फ्रेंड्स, इसी तरह बिल्कुल आप लोग अपने हील टूल का यूज़ कर सकते हैं। अपनी कोई इमेज में, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल कहीं से आपने गूगल से इमेज उठाई है, या कहीं से आपने यूट्यूब से कोई इमेज ले ली है, फॉर एग्जांपल स्क्रीन शॉट लेके, और वहाँ पे आपके पास चैनल का लोगो आ रहा है किसी और के, या फिर फ्रेंड्स आप लोगों के पास किसी चैनल का लोगो आ रहा है या कोई और इमेज आ रही है जिससे आप लोगों को लगता है कि कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है, तो आप उसे हील टूल से बिल्कुल पैच कर सकते हैं। आप उसके बैकग्राउंड कलर के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको दूसरे टूल्स का भी बताया है, और जैसे कि क्लोन टूल है, और ब्लर, शार्प और स्मज है, ये वाले टूल्स भी जो है इसमें काम आ सकते हैं। और तो फ्रेंड्स बस आज के लिए यहीं तक ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टूल के साथ, और एक न्यू वे में हम लोग और टूल्स भी सीखेंगे इसी तरह अलग अलग क्लासेस में। और प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना से बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि बेल आइकन से आप लोगों के पास
मेरे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकती हैं। तो ये देखें, लाइक हो रहा है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।